गुड इवनिंग एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑल राइट, ठीक है जी। देखिए, जून का हम लोग स्टार्ट कर दिए थे करंट अफेयर्स, अराउंड 70 क्वेश्चंस कुछ हो गए थे। देख लेते हैं कहाँ तक हो गए थे। है ना, तो ये आई थिंक हो गया था, किसी को याद है? हाँ, ये सब हो चुके थे। 73, 83 तक आई थिंक हो गया था। हाँ ये होगा, एक क्वेश्चन नंबर 84 भी हो गया था, 89 नहीं हुआ था। हाँ मिल गया, 86 से कराना है। अरे नूर जी, क्या करोगे देख के? देखिए अभी तो मैं ईटानगर हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अभी वो स्टूडियो वाला सेटअप नहीं है मेरे पास। मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी आप लोगों का आशीर्वाद है तो उसको भी हम यहाँ पर सेटअप करेंगे, है ना। बाकी मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में वेबकैम वाला सिस्टम अपने स्टार्ट कर दूं, है ना। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 85 तक सर हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था, उसके आगे आज हमें स्टार्ट करना है ना, क्वेश्चन नंबर 85 के बाद। तो ये रहा सर आपका क्वेश्चन नंबर 86। रिसेंटली प्रोफेसर सीवी चंद्रशेखर पद्म भूषण अवार्डी हैज पास अवे। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच इंडियन क्लासिकल डांस? बिक्की सर नहीं करा रहा है, इंतखाब सर करा रहा है। रिसेंटली प्रोफेसर सीवी चंद्रशेखर पद्म भूषण अवार्डी हैज पास अवे। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच इंडियन क्लासिकल डांस? कथकली, कथक, भारतनाट्यम या कुचिपुड़ी? बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रिसेंटली प्रोफेसर सीवी चंद्रशेखर पद्म भूषण अवार्डी हैज पास अवे, तो वो किस इंडियन क्लासिकल डांस से रिलेटेड थे? देखिए, आपके एग्जाम में कभी कभी कोई आर्ट से रिलेटेड पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आर्ट से रिलेटेड पर्सनालिटी पे सवाल आ जाता है और वो पूछ लेता है वो किस आर्ट फॉर्म से रिलेटेड थे। ये लास्ट ईयर भी एपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था, इस साल भी उस्ताद बिस्मिल्ला खान पे सवाल पूछा था कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एक वेराइटी है आपकी एग्जाम की, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन पिकअप किया है। प्रोफेसर टीवी चंद्रशेखर पद्म भूषण अवार्डी है, वो किस इंडियन क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड थे? कथकली, कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी? तो करेक्ट आंसर इज सर भारतनाट्यम, ठीक है, करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम। तो देखिए, जब भारतनाट्यम की बात हो रही है तो एक बार क्लासिकल डांस एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट, कई बार क्या, ये बहुत फ्रिक्वेंट चीज है और इम्पोर्टेंट भी है, मेनी ऑफ द टाइम्स आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के नाम पे एपीएसएसबी मेनी ऑफ द टाइम्स डायरेक्ट आपसे उठा के यही पूछ लेगा कि कोई क्लासिकल डांस दे देगा और उसका स्टेट पूछ लेगा। मेजोरिटी ऑफ द टाइम इसी तरह के सवाल बनते हैं, कुचिपुड़ी दे देगा और पूछ लेगा कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो टोटल 8 क्लासिकल डांसेस है सर हमारे देश में,
इनको कौन रिकॉग्नाइज करता, संगीत नाटक अकादमी इनको रिकॉग्नाइज करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो 8 क्लासिकल डांस हैं, जिसमें से एक है आपका भारतनाट्यम, तमिलनाडु का है, कथकली केरला का है, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चन भी आया था, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, मोहिनाट्यम केरला का है, कथक यूपी का है, ठीक है। देखो कथकली केरला का है और कथक यूपी का है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कथकली केरला का है और कथक यूपी का है, सत्रिया आसाम का है, मणिपुरी तो आप जानते हो मणिपुर का, ठीक है। तो ये 8 क्लासिकल डांसेस हैं, इनको डेफिनेटली याद करके जाना है, और ये अभी याद कर लो सर, ठीक है। कुचिपुड़ी वगैरह ये सब अभी याद कर लो, उड़ीसी में दिक्कत नहीं होगी सर, मणिपुरी में नहीं होगी आपको, सत्रिया में नहीं होगी, 8 में से 3 में तो नहीं होगी, ठीक है। और भारतनाट्यम, नाट्यम से याद रखना नाडू तमिलनाडु, ठीक है, नाट्यम तमिलनाडु, कथक कली केरला, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सीजीएल का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है सर, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल के लिए मुझे व्हाट्सएप कर देना 9997844642। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 87। रिसेंटली वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हैज हाइलाइटेड अ 43% डिक्रीज इन एफडीआई टू इंडिया इन 2023, ड्रॉपिंग इंडियाज रैंक टू 15th अमंग ग्लोबल एफडीआई रेसिपिएंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज दिस रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनसीटीएडी या डब्ल्यूटीओ। रिसेंटली वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 हैज हाइलाइटेड अ 43% डिक्रीज इन एफडीआई टू इंडिया इन 2023, ड्रॉपिंग इंडियाज रैंक टू 15th अमंग ग्लोबल एफडीआई रेसिपिएंट। तो ये कहना क्या चाह रहा है सर क्वेश्चन? क्वेश्चन सर सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि एक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकली है 2024 की, वो ये चेक करते हैं कि किस कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। एफडीआई क्या होता है, मान लो हमारी कंट्री में जो फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं, तो उस पैसे को क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं। तो जितना एफडीआई हमारी कंट्री में आ रहा था, उसके मुकाबले 2023 में 43% डिक्रीज देखने को मिला है, ठीक है, इस रिपोर्ट के हिसाब से। और किस कंट्री को कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, उसकी एक रैंकिंग निकलती है। तो उस रैंकिंग में गिरते गिरते हम कितने नंबर पे आ गए इस बार 43% डिक्रीज की वजह से, उसमें हम लोग 15th नंबर पे आ गए हैं अमंग ग्लोबल एफडीआई रेसिपिएंट्स। तो सवाल यह है कि ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, ये कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, अंकटाड या फिर डब्ल्यूटीओ, बताइए सर कौन रिलीज करता है इसको, बी या डी? तो देखो सर ये किससे रिलेटेड है, आपका ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है, ये ट्रेड से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं, कोई रिपोर्ट है वो रिपोर्ट किसने पब्लिश करी या वो इंडेक्स में क्या रैंकिंग है, तो उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका अगर आप करेक्ट आंसर देखोगे क्वेश्चन नंबर 87, तो दैट इज योर अंक टार्ट, ठीक है, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, करेक्ट आंसर इज यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। चलो जी ठीक है, तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि सर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आपका रिलीज करता है अंक टाट, ठीक है, अंक टाट रिलीज करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अब इसमें जो टॉप 5 कंट्रीज है, इंडिया की रैंक तो आपको पता है कितनी है इस बार, 15 है। तो इसमें पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, दूसरी चीज ये याद रखना इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तीसरी चीज ये याद रखना कि सर रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 पे कौन है इन्वेस्टमेंट में, सबसे ज्यादा एफडीआई किस कंट्री में आ रहा है, तो नंबर 1 पे आपको मिलेगा यूएसए, देन चाइना, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, ब्राजील, ठीक है। तो सब रैंक याद रखने की जरूरत नहीं है सबकी, मेन ये याद रखो सबसे ज्यादा एफडीआई किसको मिल रहा है, यूएसए को मिल रहा है, ये हो गई तीसरी चीज। अब आ जाओ यूएनसीटीएडी, अंकटाड, जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ो, मैं पहले भी बोल चुका हूं सर, जब भी इंटरनेश्नल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो देन मेक श्योर उसका हेडक्वार्टर आपको पता हो, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर आपका, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ेंगे देन मेक श्योर यू आर रिमेम्बरिंग द हेडक्वार्टर,
हेडक्वार्टर फॉर अंटार्कटिका जेनेवा स्विट्जरलैंड। आई होप हाँ जी, अभी आवाज आ रहा है क्या? अभी आ रहा है क्या आवाज? अभी ऑडिबल है कि नहीं है सर? आई थिंक अब ऑडिबल है, अब तो है ना सर? तो खांसने का भी आवाज आ गया होगा। ऑल राइट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज मेड हिस्ट्री बाई बिकमिंग द फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर इन इंडिया। तो इंडिया में कुछ भी फर्स्ट फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया कुछ हो रहा है तो उसपे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज मेड हिस्ट्री बाई बिकमिंग द फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर इन इंडिया? ग्वालियर, जयपुर, वाराणसी या फिर आपका कोझीकोड? Which of the following cities has made history by becoming the first UNESCO city of literature in India? ग्वालियर, जयपुर, वाराणसी और कोझीकोड? बताइए सर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर इज कोझीकोड। यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है कोझीकोड को एज द सिटी ऑफ लिटरेचर। यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ठीक है, उसके तहत उन्होंने कोझीकोड को रिकॉग्नाइज किया है एज द सिटी ऑफ लिटरेचर। ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क क्या है? ये बेसिकली अलग अलग सिटीज को टारगेट करते हैं, ठीक है, जहां पर क्राफ्ट या फॉल्क आर्ट में क्रिएटिविटी दिखती हो, डिजाइन में, फिल्म में, गैस्ट्रोनॉमी में, लिटरेचर में, मीडिया आर्ट्स या म्यूजिक में। तो अगर किसी सिटी में इस तरह की कुछ क्रिएटिव यूनिक चीजें दिखती हैं तो ये लोग उस सिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो कोझीकोड को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है एज द सिटी ऑफ लिटरेचर। यहाँ पे लिटरेचर उन्हें पसंद आ गया तो उसको उन्होंने बोल दिया सिटी ऑफ लिटरेचर। तो चूंकि यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है तो, और इंडिया की ये फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर है, ठीक है, तो जहां का इनको लिटरेचर पसंद आ जाता है उसको ही रिकॉग्नाइज कर देते हैं एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर। तो यूनेस्को ने इंडिया की पहली ऐसी सिटी है जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर कहा है, तो दैट इज कोझीकोड, ठीक है, इट इज इन केरला, इसको ध्यान रखिएगा, इट इज इन केरला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसी बात पे मेरे को बताओ यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, जल्दी से कमेंट में मेरे को बताओ यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, हाईलाइटिंग द स्किल एंड डेडिकेशन ऑफ इट्स आर्टिसन? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल,
द स्किल एंड डेडिकेशन ऑफ इट्स आर्टिजंस, जयपुर, श्रीनगर, अहमदाबाद और वाराणसी। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, हाईलाइटिंग द स्किल एंड डेडिकेशन ऑफ इट्स आर्टिजंस। जयपुर, श्रीनगर, अहमदाबाद, वाराणसी। बताइए वो अलग था, ठीक है, जो सिटी ऑफ लिटरेचर बोला है यूनेस्को का। अच्छा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है? पेरिस। पेरिस इज द यूनेस्को हेडक्वार्टर। फिर यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर बनाया कोझीकोड को, दैट इज डिफरेंट। यहां पर एक और सिटी है, उसको बनाया जा रहा है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिल रहा है उसे। बट वो कौन कर रहा था? सिटी ऑफ लिटरेचर यूनेस्को ने बनाया था। यहां पर ये जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का डेजिग्नेशन है, ये कौन दे रहा है सर आपका? ये दे रहा है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल दे रहा है, हाईलाइटिंग द स्किल एंड डेडिकेशन ऑफ इट्स आर्टिजंस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सर आपका श्रीनगर। ठीक है, तो श्रीनगर हैज बिकम द फोर्थ इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। ठीक है, तो ये बन गया है फोर्थ इंडियन सिटी। अभी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसको कहते हैं? ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसको कहते हैं? जहां पर उन जहां जिस सिटी की, ऑब्वियसली बात है, जैसे वहां पर कोझीकोड का उन्हें लिटरेचर क्रिएटिव लगा तो उसको उन्होंने सिटी ऑफ लिटरेचर बोल दिया। इसी तरह से अगर किसी शहर का आर्ट एंड क्राफ्ट इनको क्रिएटिव लगेगा, कुछ यूनिक लगेगा, तो उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे? ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये चौथी इंडियन सिटी को उन्होंने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बोला है, वो है श्रीनगर। इससे पहले, अभी ये फिर न्यूज में था कुछ टाइम पहले, तब भी हमने इसके बारे में बात की थी। इससे पहले तीन और सिटीज को ये डिक्लेयर कर चुके हैं एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। जयपुर है, मलप्पुरम है एंड मैसूर है। उसके बाद फोर्थ सिटी इज श्रीनगर। ठीक है, और इससे पहले श्रीनगर को ऑलरेडी, मतलब ऐसी बात नहीं कि पहली बार किसी ने रिकॉग्नाइज किया श्रीनगर को, यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है ना, जिसकी अभी हमने बात करी थी, जिसके तहत कोझीकोड को क्या बोला गया है? सिटी ऑफ लिटरेचर। उसी में क्रिएटिव सिटी का डेजिग्नेशन ऑलरेडी श्रीनगर को मिल गया था 2021 में, फॉर क्राफ्ट एंड फॉक आर्ट्स। तो क्राफ्टिंग में सर श्रीनगर काफी आगे है। ठीक है, तो ये अलग अलग पेपर मैश, आपका वॉलनट वुड कार्विंग, कारपेट्स, एम्ब्रॉयडरी, पश्मीना शॉल्स, तो ये कुछ बेहतरीन क्राफ्ट्स हैं श्रीनगर की। अब ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल प्रोवाइड कर रही है। उनका एक प्रोग्राम है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम, उसके तहत ये इस तरह के डेजिग्नेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वर्ल्ड क्राफ्ट जो काउंसिल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, इनका जो डेजिग्नेशन है ये आपसे पूछ सकता है। तो एक चीज और आपको समझ में आ रहा होगा कि क्राफ्ट के मामले में श्रीनगर काफी आगे है। ठीक है, तो उस पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। रिसेंटली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक हैज कंप्लीटेड इट्स थर्ड लैंडिंग टेस्ट सक्सेसफुली। इट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ध्रुव स्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और पिक्सल। ठीक है, रिसेंटली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक हैज कंप्लीटेड इट्स थर्ड लैंडिंग टेस्ट सक्सेसफुली। इट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक हैज कंप्लीटेड इट्स थर्ड लैंडिंग टेस्ट सक्सेसफुली। देखो, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या, जैसे पहले क्या होता था, एक जैसे इसरो वगैरह ने एक लॉन्च व्हीकल बनाया,
ये सैटेलाइट इसने पहुंचाई, फिर ये वापस नहीं आ रहा है, ये वहीं का वहीं, फिर इसके जो हिस्से हैं ये वहीं के वहीं इसके घूमते रहेंगे, है ना। बट ये क्या है, अब वापस आपका आ रहा है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, मतलब ये आपका अपना जो सैटेलाइट है पहुंचा के वापस अर्थ पर ये आ जाएगा। तो इतनी जो सर टेक्नोलॉजी है, अभी कोई प्राइवेट कंपनी तो नहीं कर पाएगी, ये ऑब्वियसली बात है। अभी ये किसका प्रोजेक्ट होगा, इसरो का होगा, ठीक है। तो ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट है, जिसमें जो व्हीकल है उसका नाम रखा गया पुष्पा, ठीक है। तो ये किसने करा, इसरो ने इसकी टेस्टिंग अभी करी हुई है, ठीक है। तो इसरो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। रिसेंटली फोर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ऑफिसर्स फ्रॉम इंडिया हैज वॉन अ रिकॉर्ड 32 मेडल्स इन 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स। दीज गेम्स वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, कार्थेजिना, कोलंबिया, सेंट ट्रोपेज, फ्रांस, रोम, इटली या टोक्यो, जापान। रिसेंटली फोर आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज ऑफिसर्स फ्रॉम इंडिया हैज वॉन अ रिकॉर्ड 32 मेडल्स इन 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स। दीज गेम्स वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। पीडीएफ के लिए सर आप डाउनलोड कर सकते हो, क्या कहते हैं, ये वीडियो की जो अपलोडिंग है वो YouTube में होती है, ठीक है। इसकी जो रिकॉर्डिंग है नॉर्थ ईस्ट पीएससी के YouTube चैनल में अपलोड हो जाएगी। तो हर एक मंथ का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनता है, तो जून का अपना अलग सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो ये वीडियो वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन में आप जब वीडियो पे जाओगे तो वहां पर पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर दिक्कत हो रही हो तो मैं बोल देता हूँ, मेरे को व्हाट्सएप कर देना 9997846422, अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही हो तो, ठीक है। रिसेंटली फोर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस ऑफिसर फ्रॉम इंडिया हैज वॉन अ रिकॉर्ड 32 मेडल्स इन 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स। दीज गेम्स वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, करेक्ट आंसर है सेंट ट्रोपेज, फ्रांस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सेंट ट्रोपेज, फ्रांस। तो फोर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस ऑफिसर्स जो अभी मेडल्स लेके आए हैं, 32 मेडल्स लेके आए हैं सर, तो दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। तो ये जो आपका इवेंट था, ये जो गेम था, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, इट वॉज हेल्ड इन फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 92। रिसेंटली एज अ ट्रिब्यूट टू हीरोज ऑफ कारगिल वॉर, इंडियन आर्मी हैज ओपन खलुबार वार मेमोरियल टू टूरिस्ट। खलुबार वार मेमोरियल मेमोरियल इज लोकेटेड इन, अभी देखो कारगिल वॉर था, ठीक है, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इंडियन आर्मी ने एक खलुबार वार मेमोरियल ओपन किया है टूरिस्ट के लिए। तो सवाल यह है कि सर आपका जो खलुबार वार मेमोरियल है वो कहाँ पर है, नुब्रा वैली, द्रास वैली, आर्यन वैली या जांस्कर वैली, ठीक है। चार ऑप्शन है, नुब्रा वैली, द्रास वैली, आर्यन वैली या जांस्कर वैली, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज आर्यन वैली, ठीक है। आर्यन वैली लद्दाख, वहां पर कारगिल वॉर हीरोज को ट्रिब्यूट देने के लिए ये आपका खलुबार वार मेमोरियल ओपन किया गया है। अब देखिए सर, आपका यहाँ पर जब कारगिल वॉर की बात हो रही है तो इट इज नेसेसरी आप कारगिल विजय दिवस को भी याद करें। कारगिल विजय दिवस किस दिन होता है, 26 जुलाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस बार आपका देखो हेड कॉन्स्टेबल में पूछ भी लिया, करंट अफेयर से रिलेट करके चीजें पूछ लेता है। देखो कारगिल वॉर मेमोरियल ये न्यूज में आया तो उसने उस पे उठा के सवाल बना के पूछ लिया, ठीक
ठीक है, तो कारगिल विजय दिवस किस दिन होता है? आपका 26 जुलाई को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दैट सर्टेन प्रोविजंस ऑफ टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम जून 26, 2024। दिस एक्ट हैज रिपील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। कम्युनिकेशंस के लिए पहले एक बहुत पुराना लॉ था हमारा, वो चल रहा था, अब उसको रिपील करके एक फ्रेश नया लॉ बनाया गया है, टेली कम्युनिकेशंस एक्ट 2023। अभी ये पूरी तरह से पावर में नहीं आएगा, इसके कुछ प्रोविजंस पावर में आए हैं फ्रॉम जून 26। तो सवाल ये है कि ये जो आपका टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 है, ये किस एक्ट को रिपील करके बनाया गया है? TRAI, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, या पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट्स एक्ट, या इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898। पढ़ना अच्छी चीज है सर, एमएलए हो कोई भी हो, अगर एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो दैट इज अ गुड थिंग। और इवन यू आर ए एजुकेटर, यू आर स्टिल ए स्टूडेंट, ठीक है? जिस दिन आपको रियलाइज हो जाए आप अभी भी स्टूडेंट हो, तो समझो आप एजुकेटर भी बन गए। तो क्योंकि एजुकेशन इज द थिंग जो कभी नहीं खत्म होती, वो तो चलती रहती है। दिस एक्ट हैज रिपील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? हाँ, तो सर इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर इज इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, ठीक है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड सर्टेन सेक्शंस ऑफ द टेली कम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 2023। देखो कई सारे पुराने लॉ थे, जैसे एक था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 अंग्रेजों के टाइम का, एक था वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933, और टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950। तो ये जो कई सारे पुराने कानून थे है ना, उसमें रिपीट हो रहा है कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, तो उन सबको हटाते हुए एक प्रॉपर एक नया कानून बनाया गया, टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023। इसके कुछ फीचर्स अगर हम बात करें तो डेफिनेशंस क्लियर करी है इसने, ठीक है, क्लियरली डिफाइंस इट स्कोप देयर बाय रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी। जैसे अब क्या है, पहले अलग टेली कम्युनिकेशन के मीडियम थे, अब टेली कम्युनिकेशन के मीडियम बदल गए हैं, तो अब जो नए मीडियम्स हैं उनके जो नेमिंग है यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ठीक है। जैसे इंटरनेट बेस्ड मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, क्लियर बोल दिया गया है कि इंटरनेट बेस्ड मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर्स कोई भी हो, व्हाट्सएप हो, सिग्नल हो, टेलीग्राम हो, कोई भी हो, इवन आपका कोई भी हो, तो ये सब किसके आते हैं? आर विद इन द एक्स एम्बिट, ठीक है। उसके अलावा और अगर हम बात करें कुछ नेशनल सिक्योरिटी मेजर्स भी हैं, दैट अलाउज द गवर्नमेंट टू स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ एनी मैसेज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड ड्यूरिंग अ पब्लिक इमरजेंसी, ठीक है। तो ये एक बार इसके जो फीचर्स हैं वो आप देख लेना, बाकी जो मुद्दे की बात है कि किसको रिपील करके बनाया गया वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए CGL हो, CSL हो, CHSL हो, ऑलवेज मेक श्योर आप 6 मंथ्स का करेंट अफेयर्स करके जाए। मान लो आपका एग्जाम सितंबर में है, जैसे अभी CGL आ रहा है, CGL वालों का एग्जाम कब है सर? सितंबर में है, तो उन्हें अगस्त तक का करंट अफेयर्स करके जाना है, ठीक है ना। उन्हें कब तक का करंट अफेयर्स करके जाना है? अगस्त का। तो ये मार्च से शुरू करेंगे, मार्च से लेकर अगस्त, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं सर, बाकी तो आप कितना भी कर लो कम ही है, लेकिन अराउंड अराउंड लगभग 6 महीना का करने से चीजें हो जाती है, तो 6 महीने का करके जाओ सर, मार्च से अगस्त तक करके चले जाना है ना। फिर बाद में क्योंकि
एक एक महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के एक एक क्वेश्चन बन पा रहा तो उतना वर्दी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाइए सर। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 वाज लॉन्च्ड टू अटेन जीरो चाइल्ड डेथ्स ड्यू टू चाइल्डहुड डायरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड दिस कैंपेन? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। Recently, National Stop Diarrhea Campaign was launched to attain zero child deaths due to childhood diarrhea. Which of the following ministries has launched this campaign? Ministry of Women and Child Development, Ministry of Rural Development, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Jal Shakti. बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? National Stop Diarrhea Campaign की बात हो रही है सर, ठीक है, डायरिया रोकने की बात हो रही है, मतलब पर्पज ये है कि एक भी बच्चे की मौत डायरिया की वजह से ना हो, तो ये डिसीजेस वाली बात है ना सर, कौन सी मिनिस्ट्री डील कर रही होगी। अब देखो यहां पर सर कहीं भी ऐसा तो नहीं बोला कि रूरल एरिया के लिए है, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्या करेगी यहाँ पर? और ऐसा भी पानी से रिलेटेड हो तो पानी मिनिस्ट्री भी क्या करेगी, लेकिन ये बच्चों की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये हेल्थ है तो सर किसी डिसीज को रोकने के बाद हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी हो सकता है। और जनरली कोई अगर डिसीज है उसको कंट्रोल करना है, कोई भी अगर डिसीज है उसे कंट्रोल करना है तो उसके रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, उसके रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है? वो बनाती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो चार में से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब बाकी के जो दो बचे हैं इनमें से कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है आपको, इतना तो आपकी मतलब थिंकिंग मैं भी समझ सकता हूँ कि ऑब्वियसली बात है आपको भी ज्यादा ठीक क्या लग रहा होगा सर, ऑप्शन सी लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो कोई भी स्कीम हो, मैंने अभिषा बोला है जैसे नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन, तो कोई भी स्कीम आप देखो तो पहले उसका टारगेट ऑडियंस या पर्पस देखो, तो टारगेट ऑडियंस इसकी बच्चे हैं और पर्पस है जीरो चाइल्ड डेथ फ्रॉम डायरिया, ये हमें अचीव करना, ये इसका टारगेट है। फिर दूसरी चीज इसमें देखते हैं कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च कर रही है, तो ये मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो मेक श्योर ये दो बातें आपको अच्छे से पता हो जब भी आप कोई स्कीम पढ़ो। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 टू एनहांस द प्रिपेयर्डनेस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंश्योरिंग दे आर वेल इक्विप्ड to handle the challenges posed by heavy rainfall. बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 95, which of the following initiatives has been introduced under the Swachh Bharat Mission Urban 2.0 to enhance the preparedness of urban local bodies ensuring they are well equipped to handle the challenges posed by heavy rainfall. देखिए स्वच्छ भारत मिशन मतलब मेन पर्पस ये है कि सैनिटेशन रहे, कि जैसे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो गार्बेज है ना, या रूरल एरियाज में जो जगह जगह डेफिकेशन होता है ये सबको साफ किया जाए, देश में क्लीनलीनेस बढ़ाई जाए, तो क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया। रूरल एरिया में स्वच्छ भारत मिशन रूरल लॉन्च है, अर्बन एरियाज में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन लॉन्च है। अलग अलग क्यों लॉन्च किया? क्योंकि सर जो क्लीनलीनेस ड्राइव है या कह लो जो गंदगी है रूरल एरियाज में अलग है, अर्बन एरियाज में अलग है। अर्बन एरियाज में मेन प्रॉब्लम क्या है सर? गार्बेज की, उसकी वजह से गंदगी है। रूरल एरियाज में गंदगी की मेन प्रॉब्लम क्या है? वहां पर सर खुले में शौच की प्रॉब्लम है और ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम है, वहां कई ऐसे गांव है जहां पर टॉयलेट्स प्रॉपर नहीं बने हैं, तो रूरल एरिया में ये अलग तरीके से काम करता है। तो दो तरह के ये दो वर्जन से इसके, अर्बन और रूरल। तो यहां पर बात हो रही है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की, तो इसका वर्जन 1.0 लॉन्च हुआ था, अब 2.0 लॉन्च हुआ है। तो अभी सवाल ये है कि जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 है
ठीक है, तो उसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं मतलब म्यूनिसिपैलिटीज, उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है उसको बढ़ाने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? ठीक है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम आ गया, बारिश के मौसम में गंदगी और ज्यादा बढ़ती है, तो अर्बन लोकल बॉडीज क्योंकि ड्रेनेज क्लॉग होने लगते हैं तो बारिश में ये बड़ी समस्या आ जाती है म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर, है ना। तो म्यूनिसिपैलिटी उससे अच्छे से डील कर पाए उसके लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, दैट इज द क्वेश्चन। तो उसके लिए जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है वो है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन, ठीक है, उसका नाम ध्यान रखिएगा। बाकी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, टू प्रमोट क्लीनलीनेस सैनिटेशन एंड प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इन अर्बन एरिया। ठीक है, पहले 1.0 आया फिर 2.0 आया। ठीक है, 1.0 में इंडिया अर्बन इंडिया को ODF बनाना, ओपन डेफिकेशन फ्री। फिर उसके बाद 2.0 में टारगेट था कि ODF के बियॉन्ड जाएंगे, ODF प्लस बनाएंगे और ODF प्लस प्लस बनाएंगे और गार्बेज फ्री इंडिया बनाएंगे। सर ये क्या है ODF, ODF प्लस प्लस? तो ये सर अभी मैंने मेंशन नहीं किया, ये आगे कभी दोबारा आएगा तो यहाँ पे मैं इसके बारे में भी बता दूंगा। ODF बोले तो ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, चलिए, तो ये था सर आपका क्वेश्चन नंबर 95। ये इस पे ऐड नहीं हो पाया, इसको मैं ऐड कर दूंगा, इसकी एक स्लाइड ऐड कर दूंगा, वहां पे ODF क्या है, ODF प्लस क्या है, ODF प्लस प्लस क्या है, वो सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 95। चलिए सर, तो आज यहीं तक रखेंगे, बाकी के जो बचे कुछ क्वेश्चंस है वी विल कंप्लीट दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जून का कंप्लीट कर देंगे ताकि उसकी जो अगली क्लास आए उसमें सर हम लोग जुलाई का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दें। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, डू लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट लेफ्ट टू यू। ठीक है, जो लोग भी फर्स्ट क्लास कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, इसका जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाता है नॉर्थ ईस्ट पीएससी के, और हर एक मंथ का एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में चले जाना, जून का जो पहला वीडियो देखे उसको एक बार देख लेना, उसमें जून का सर जाके उसमें पहली वीडियो में मैं सारी बेसिक बातें करता हूँ, हर मंथ के फर्स्ट वीडियो में मैं सारी बेसिक बातें करता हूँ, कितना करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, नोट्स किस तरह से बनाना चाहिए, तो पहली वीडियो में वो सारी बातें होती, तो जून का पहला वीडियो देख लेना, अदरवाइज परसों का वेट करिए, कल जून का कंप्लीट करके जब हम जुलाई का शुरू करेंगे तो वहां से भी आप उसे कवर कर सकते हैं। ऑफलाइन टेस्ट, देखिए ऑफलाइन में जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स है ना उनके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बाकी मॉक अगर आप देना है तो ऑनलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, ऑल राइट, चलिए फिर सर, तो इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, तो इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।